लोकायुक्त विभाग की टीम ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक को रंगे हाथों पकड़ा। यह निरीक्षक शिकायतकर्ता से 30,000 की रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त विभाग की टीम ने उसे धर दबोचा। मामला कटनी का है, जहां शिकायतकर्ता राजकुमार बर्मन ने बताया कि उनकी पत्नी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है, तो उसने खाद्य वितरण राशन दुकान खुलवाने के लिए आवेदन दिया था। जब उसने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक संतोष नंदनवार से दुकान खुलवाने के लिए बात की, तो निरीक्षक ने उससे दुकान खुलवाने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी। उसने जब 50,000 नहीं 30,000 देने की बात बोली तो यह निरीक्षक मान गया और रिश्वत लेने लगा। लेकिन आपको बता दें, राजकुमार बर्मन ने इसकी शिकायत पहले ही लोकायुक्त विभाग से कर दी थी, तो टीम पहले ही वहां मौजूद थी। टीम ने निरीक्षक को पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर लोकायुक्त निरीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता से पूरी जानकारी मिलने के बाद निरीक्षक को रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ा गया। मामले की जांच की जा रही है। मेरी पत्नी स्व सहायता समूह के मतलब अध्यक्ष है, तो NRM ने बताया कि आप आवेदन कर सकते हो, गल्ला वितरण का काम आपको मिल सकता है। तो हमने कहा ठीक है, आवेदन हमने ऑनलाइन कर दिया। नंदवार जी से बात हुई तो उन्होंने पैसे मांगे कि यहाँ आए तो बोले 50,000 रुपये लगेंगे, तब जाके काम हो पाएगा। मैं कैसा रहता तो नहीं कर पाऊँगा, मैं कम से कम कर दीजिए, इतना हो जाए तो कल। तो फिर आखिरी में हम लोग की 30 में बात हुई थी, उनके सर को फिर मैंने आवेदन दिया कि सर मेरा ऐसा 30,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो क्या है हम आपका काम करवा दें। क्या सूचना मिली? दिनांक 16/3/2023 को प्रार्थी राजकुमार बर्मन लोकायुक्त कार्यालय उपस्थित था, और इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी सपना स्व सहायता समूह चलाती है, और उनकी पत्नी के द्वारा आवेदन किया गया था। उप संबंध में प्रार्थी की पत्नी द्वारा आवेदन किया गया, और जब उक्त कार्य के लिए प्रार्थी आकर खाद्य विभाग में पदस्थ संतोष नंदनवार जी से मिला, खाद्य निरीक्षक जो, तो उनके द्वारा उपकार कराने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी। हमारे द्वारा प्रार्थी को DVR लेकर भेजा गया, और रिकॉर्डिंग के दौरान मोल भाव कर 30,000 रुपये लेने को संतोष नंदनवार तैयार हो गए थे, जिससे आज दिनांक को 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।